गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार सब सुखी और मंगलमय होंगे। दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार और बेहतरीन वीडियो होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो के अंत तक मैं सारी डिटेल्स और जानकारी बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छी और बेहतरीन जॉब ओपनिंग आई है। ये जो जॉब ओपनिंग है दोस्तों, आपको सबसे पहला बताना चाहूँगा कि काफ़ी भाइयों का कमेंट्स आ रहा था कि सर आप गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, राजस्थान, अजमेर, पंजाब, सोनीपत और हरियाणा, इस लोकेशन में कहीं पे भी जॉब ओपनिंग हो तो प्लीज़ आप इसका वीडियो बनाइए। दोस्तों ये वीडियो बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि देखो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो मैं चाहूँ तो डेली हर लोकेशन का बनाओ, लेकिन दोस्तों ओपनिंग भी होना ज़रूरी है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर मैं वीडियो बना दूँ फिर बाद में ओपनिंग ना हो, फिर आप वहाँ जाओ विज़िट करो, आपको फिर पता चले कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो दोस्तों मेरा भी नाम ख़राब होगा और आपका ट्रस्ट और विश्वास मेरे पास से टूटने लगेगा दोस्तों, तो मैं वो नहीं चाहता। ठीक है दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मेरे पास अभी जो 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 जॉब ओपनिंग आई है दोस्तों, वो काफ़ी बड़े पोस्ट की है। और ये पोस्ट जो है दोस्तों, एक्चुअली रिक्वायरमेंट जो है दोस्तों, ये हरियाणा सोनीपत में है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये G4S में ही है, हमारी कंपनी में ही है और ये हरियाणा सोनीपत में है। वीडियो के स्क्रीन के ऊपर दोस्तों मैं पूरा डिटेल्स बता दूंगा कि क्या पोजीशन है और क्या सैलरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप में से जो भी कैंडिडेट, इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों के लिए जॉब ओपनिंग है, ध्यान रखना है दोस्तों। मैं बहुत सारी चीज़ें बारीकी से बताऊँगा, ध्यान से सुनना और समझना है, उसके बाद ही दोस्तों आप कांटेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, ग्रेजुएशन कंपलसरी होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम का हो, कोई भी फील्ड का ग्रेजुएशन हो, BA, BCOM, BSIT, BCCA, MBA, MCOM, कोई भी डिग्री हो पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। सैलरी उन्होंने दोस्तों जो रखा है 24 से लेके 30 हज़ार है, ड्यूटी 8 घंटा 26 दिन का है और ये ऑफिसर लेवल की पोजीशन है दोस्तों। सबसे पहले जो जॉब ओपनिंग है दोस्तों, वो है सिक्योरिटी मार्शल, ठीक है, जिसकी सैलरी है 24 हज़ार 8 घंटा 26 दिन की है। जॉब लोकेशन ये सोनीपत हरियाणा में है, ये G4S के सोनीपत हरियाणा ब्रांच में जॉब ओपनिंग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों प्लीज़ नीचे दिए गए रेड एंड ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली और भी बहुत सारी वेरियस सिटीज़, वेरियस लोकेशंस, जो G4S में जहाँ पे भी ब्रांचेस है, जहाँ पे भी ओपनिंग्स है, अब मैं सब धीरे धीरे वन बाय वन मैं वीडियो पोस्ट करते जाऊँगा दोस्तों, जिससे आप सभी लोग को इजिली जॉब मिल जाएगा और इजिली आप अपनी फैमिली की जीविका चला सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जॉब लोकेशन ये हरियाणा सोनीपत में है। पहला जो जॉब ओपनिंग मैंने बताया है, ये सिक्योरिटी मार्शल का है, जिसकी सैलरी 8 घंटा 26 दिन की 24 हज़ार है, ग्रॉस सैलरी है दोस्तों। दूसरी जो जॉब ओपनिंग है दोस्तों, ये है CCTV ऑपरेटर की, ध्यान रखना है सिक्योरिटी मार्शल में मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकती है, और इसका जो एज का क्राइटेरिया है 21 से लेके 40 तक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 21 से लेकर 40 का क्राइटेरिया लेडीज़ और जेंट्स दोनों का ही सिक्योरिटी मार्शल के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है ग्रेजुएशन और इंग्लिश कंपलसरी है, लिखना पढ़ना बेसिकली समझना और बोलना आना कंपलसरी है दोस्तों, और उसे सिक्योरिटी मार्शल का लेडीज़ को और मेल और फीमेल को दोनों ही को ही एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इंटरव्यू होगा दोस्तों, डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट ड्यूटी नहीं मिलेगी, इंटरव्यू होगा। सबसे पहले हमारे ब्रांच में इंटरव्यू होगा, उसमें से जो बंदा कैपेबल होगा, कैलिबर होगा, उसका रिज्यूम आगे फॉरवर्ड किया जाएगा क्लाइंट के पास, जो ओके होगा, फाइनलाइज होगा, उसको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। क्लाइंट के पास जो सिलेक्ट होगा उसको ड्यूटी मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने बता दिया है, पहला जो ओपनिंग है सिक्योरिटी मार्शल के लिए, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ठीक है, इंग्लिश टॉकिंग आना चाहिए, बेसिक भी होगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट वो फेस कर सके इंटरव्यू, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिक्योरिटी मार्शल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उम्र दोस्तों 21 से लेके 40 के बीच का होना चाहिए। तीन ओपनिंग है दोस्तों, तीनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। दूसरा जो ओपनिंग है दोस्तों CCTV ऑपरेटर का, इसकी भी सैलरी दोस्तों अराउंड मेरे हिसाब से कुछ 25,000 है, ये भी 8 घंटा 26 दिन का है दोस्तों। इसका भी रिक्वायरमेंट सोनीपत हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ मेल अप्लाई करे,
फीमेल अप्लाई ना करें दोस्तों, सिर्फ सिक्योरिटी मार्शल के लिए फीमेल के लिए ओपनिंग है दोस्तों, ध्यान रखना है दोस्तों। ये रोटेशन शिप होगा, लेडीज़ के लिए रोटेशन शिप नहीं है, जेंट्स के लिए रोटेशन शिप है। 3 शिफ्ट में ड्यूटी होगी दोस्तों, 8 घंटे के हिसाब से। फीमेल को नहीं करना है, फीमेल को मेरे हिसाब से फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट ही होगा, शायद मेरे हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट ही होगा। ऑफिस में विजिट करोगे तो आप सारा डिटेल्स और जानकारी वहाँ से ले लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई सीसीटीवी ऑपरेटर की ओपनिंग, तीसरी, ये तो दूसरी ओपनिंग हो गई दोस्तों। तीसरी ओपनिंग है दोस्तों सिक्योरिटी ऑफिसर की, इसकी सैलरी दोस्तों काफ़ी हाई है, 30,000 है दोस्तों। इसका भी सेम है दोस्तों, सीसीटीवी के लिए भी ग्रेजुएशन कंपलसरी है, सीसीटीवी का 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है और इंग्लिश टॉकिंग जरूरी है दोस्तों। और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है, ग्रेजुएशन कंपलसरी है और इंग्लिश टॉकिंग जरूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 1 साल का सिक्योरिटी ऑफिसर का एक्सपीरियंस जरूरी है। इसको 30,000 सैलरी है, 8 घंटा 26 दिन का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें जो बेनिफिट्स है सभी के लिए, सैलरी का डेट दोस्तों 7 तारीख है, और इसमें जो बेनिफिट्स है दोस्तों PF है, ESIC है, ग्रेचुटीज़ है, पेंशनस है, साल में 2 बार DA बढ़ता है, उसे है हम डियरनेस अलाउंसेस कहते हैं, 6-6 महीने में सैलरी बढ़ती है, और साल में 1 बार प्रमोशन होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परमानेंट जॉब है दोस्तों। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आप को कोई जॉब से नहीं निकल सकते, साइड चली जाएगी तो वो अलग पार्ट है, हमें हम आपको कहीं और लोकेशन में ड्यूटी दे देंगे, लेकिन जॉब परमानेंट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कंपनी काफ़ी बड़ी है, कंपनी का जैसे मैंने आपको बता दिया G4S बहुत बड़ी कंपनी दोस्तों, ये इंटरनेशनल फॉरेन कंपनी है दोस्तों। अगर आप अच्छे से वर्क करते हो, सीख जाते हो, तो इन फ्यूचर आप बाहर विदेश के लिए भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप चेकआउट करते रहना इसके वेबसाइट पे जाके, ठीक है। वेबसाइट पे दोस्तों आपको बाहर के लिए भी G4S में जॉब ओपनिंग आती रहती है दोस्तों, तो आप अगर इस फील्ड से अगर अच्छा खासा सीख लेते हो तो आप बाहर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना है, हमारी कंपनी एक्चुअली वी आर टुगेदर, एक्चुअली फैमिली है दोस्तों। कंपनी कभी भी आपको सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र नहीं समझती है, एक फैमिली का मेंबर समझती है। और यहाँ पे हम ड्यूटी करने नहीं आते, हम अपना फ्यूचर बनाने आते हैं दोस्तों, इसलिए कंपनी हमेशा कहती है कि यहाँ पे ड्यूटी काम नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाना है दोस्तों, और फ्यूचर बनाना अपने हाथ में है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना, चैनल पे पहली बार आए हो और आपको इसी प्रकार की और भी जॉब ओपनिंग चाहिए तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड या ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लो, बेल आइकन को भी आप दबा दो, जिससे मेरी आने वाली और भी बहुत सारी जॉब ओपनिंग आपको सबसे पहले मिल सकेगी दोस्तों, ठीक है। सो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड करो, जिससे ज़रूरतमंद को जॉब मिल सकेगा, आपको मुझे उसका आशीर्वाद और प्यार मिल सकेगा दोस्तों। हमारा मेन मकसद दोस्तों यही है, लोगों का आशीर्वाद और प्यार कमाना दोस्तों। पैसे तो लोग बहुत कमाते हैं दोस्तों, आशीर्वाद और प्यार बहुत कम लोग कमाते हैं, जिसमें से शायद मैं भी कहीं ना कहीं हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का फुल सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी अच्छे हमारी फैमिली बढ़ रही है दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर अराउंड 6,000 के करीब होने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग की दुआ है दोस्तों, आप लोग का आशीर्वाद है, प्यार है, जिसके वजह से लोग मार्केट में हमें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, कमेंट्स आता है, और काफ़ी दोस्तों मैं आप लोग को वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, बहुत खुशी होती है दोस्तों, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप लोगों के लिए शुक्र अदा करने के लिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं सेकंड वीडियो का और पोस्ट करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पहले तो मेरा मोबाइल नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आप मुझे अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे कल कॉल कर लेना, मैं आपको वहाँ का एड्रेस, वहाँ के ऑफिसर का नाम नंबर शेयर कर दूँगा, आप डायरेक्ट ऑफिस विजिट कीजिए, सारी डिटेल्स और जानकारी लीजिए दोस्तों। आपको जब अच्छा लगेगा तो ही दोस्तों जॉब के लिए ज्वाइनिंग कीजिए दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों ये हमारी कंपनी में G4S में, ठीक है दोस्तों। नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9221027517, फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9221027517। मैं वीडियो के स्क्रीन के ऊपर पूरा चार्ट लगा दूंगा जहाँ पे ओपनिंग्स है, और मेरा नंबर भी शेयर कर दूंगा दोस्तों, जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड होगा प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको सारी डिटेल्स और जानकारी, एड्रेस, वहाँ के ऑफिसर का नाम नंबर शेयर कर दूंगा, आप ऑफिस जाके विजिट करना दोस्तों। आपको जॉब अच्छा लगे, पसंद आए, इंटरव्यू दीजिए, ज्वाइनिंग कीजिए और अपनी जीविका चलाइए दोस्तों। आप और अपने फैमिली का ख्याल रखते हुए उनके सपने को पूरा कीजिए और अपने सपने भी सपने को पूरा कीजिए हमारी कंपनी के माध्यम से दोस्तों। हमारी कंपनी कहती है कि यहाँ काम करने हम आप नहीं आपको नहीं आना है, आपको अपने यहाँ फ्यूचर बनाने आना है दोस्तों। बहुत प्राउड फील होता है दोस्तों, मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं G4S से बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ। बहुत भगवान से ये प्रार्थना है कि रिटायरमेंट तक मैं यहीं रह जाऊं, और शायद अगर कभी वापस नेक्स्ट जन्म मिले तो दोस्तों ये कंपनी फिर से आए और फिर से मैं इसी कंपनी में काम करूं दोस्तों। बहुत ग्लैड फील होता है दोस्तों, बहुत प्राउड फील होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
बेल आइकन को दबा देना और लाइक करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जिससे मेरे आने वाले और भी बहुत सारे जॉब ओपनिंग आपको सबसे पहले मिल सके, उसका मैसेज सबसे पहले मिल सके, उसका नोटिफिकेशन सबसे मिल सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।